अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं होशांग गोबल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। लेकिन क्यों, उसने तुम्हें कभी कुछ तो बताया होगा? गहरे दोस्त हो तुम दोनों, मेरी समझ में नहीं आता आखिर हुआ क्या है उसे। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में हिट होने के लिए अच्छी सूरत के साथ साथ एक अच्छी किस्मत भी होनी बहुत जरूरी होती है, और आज जिस एक्ट्रेस की बात मैं कर रहा हूं वो बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, और वो है ब्यूटीफुल क्यूट दिव्या राणा। जानती तो तुम्हें इतने दूर भटकने जाने देती क्या? वैसे हमारी दोस्ती भी अजीब है ना रे, जब हम पास रहते हैं तो कभी नहीं मिलते, और आज जो तुम दूर जाने लगे हो तो अच्छा नहीं लगता। दिव्या का जन्म हुआ मुंबई में, उनके वालिद एक बहुत मशहूर बिजनेसमैन थे और दिव्या की माँ एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करती थी। दिव्या ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कभी हीरोइन बनेंगी, लेकिन कॉलेज के फंक्शंस और प्लेस में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करती थी। उसी दौरान मशहूर डायरेक्टर राजीव मेहरा अपनी एक फिल्म प्लान कर रहे थे, और वो अपनी फिल्म में राज कपूर साहब के सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर को लॉन्च कर रहे थे, और उस फिल्म में उन्हें एक नई हीरोइन की जरूरत थी। बस फिर क्या था, उन्होंने दिव्या को ऑफर दे दी और दिव्या ने एक्सेप्ट भी कर ली, क्योंकि बैनर बहुत बड़ा था और राज कपूर साहब के छोटे बेटे को लॉन्च किया जा रहा था, और उस फिल्म का नाम था एक जान है हम, जो आई थी 1983 में। क्या ये शादी तुम अपनी मर्जी से कर रही हो? बिल्कुल अपनी मर्जी से कर रही हूँ। बहुत अच्छा लड़का है, उसने किसी के घर को आग नहीं लगाई, किसी लड़की को बदनाम भी नहीं किया, सैकड़ों लोगों के सामने किसी फैमिली की इज्जत नहीं उछाली, और वो पागल भी नहीं। एक जान है हम ज्यादा कामयाब नहीं हुई, लेकिन उसका म्यूजिक सुपर डुपर हिट हो गया था। दोस्तों, इस फिल्म के बाद दिव्या ने दो और फिल्में साइन की, और दोनों फिल्म्स में उनके ऑपोजिट थे राज कपूर के बेटे राजीव कपूर। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आए और उनके अफेयर के चर्चे फिल्म इंडस्ट्री में होने लगे, लेकिन अफसोस ये अफेयर ही रहे और वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, और वो फिल्में थी आसमान और राम तेरी गंगा मैली। देख लिया नतीजा, आपकी बेटी बिन ब्याही विधवा हो गई। मुझे माफ कर देना था, कुछ मत पूछना गंगा, अपनी सच्चाई का कोई सबूत नहीं मेरे पास। दोस्तों, राम तेरी गंगा मैली आर के बैनर की फिल्म थी, और इसमें दो हीरोइंस थी, दिव्या राणा और मंदाकिनी, और इस फिल्म में मंदाकिनी के कुछ बोल्ड सीन्स भी थे, इसलिए दिव्या राणा को लोगों ने नजरअंदाज कर दिया और लाइमलाइट ले गई मंदाकिनी। राम तेरी गंगा मैली सुपर डुपर हिट हो गई, लेकिन अफसोस दिव्या राणा को इस फिल्म से कुछ खास फायदा नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने कुछ फिल्में साइन कर ली, जैसे माँ कसम, वतन के रखवाले, अंधा युद्ध और एक ही मकसद। मैं कैंसर का मरीज हूँ। नहीं राज, ऐसा मत कहो, कह दो कि ये झूठ है, ये सच नहीं। तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा राज? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकूंगी, मैं तो मर जाऊंगी। दिव्या का करियर ज्यादा तवील यानी लंबा नहीं रहा। उन्होंने अपने 6 साल के करियर में लगभग 11-12 फिल्मों में काम किया, लेकिन अफसोस उनकी ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पे कुछ ज़्यादा कमाल नहीं कर पाई। उनकी आखिरी फिल्म आई थी 1989 में, और उस फिल्म का नाम था गरीबों का
दाता। गिर जाने देते, मर जाने देते। किस्मत की ऊंचाई से गिरी हुई लड़की को जो भगवान नहीं संभाल पाया, तो तुम कौन होते मुझे संभालने वाले? जानते नहीं कि मैं एक विधवा हूँ? मुझे छूकर क्यों पापी बनाते हो? क्यों? क्यों? दिव्या खूबसूरत भी थी और टैलेंटेड भी थी, फिर भी वो अपने प्रोफेशनल लाइफ से खुश नहीं थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि प्रोफेशनल लाइफ को साइड में किया जाए और अपनी पर्सनल लाइफ पे कॉन्सेंट्रेट किया जाए। इसलिए 1989 में दिव्या ने फिल्म लाइन छोड़ दी और शादी कर ली। उनके हस्बैंड का नाम है फजल और वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और दुबई में रहते हैं, और दिव्या राणा भी शादी के बाद दुबई शिफ्ट हो गई। दिव्या कहती हैं कि मैंने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की है, तो मैंने सोचा कि मैं एक नए नाम के साथ इसकी शुरुआत करूं। दोस्तों, शादी के बाद दिव्या ने अपना नाम बदल दिया और सलमा माने क्या रख दिया। वो आजकल बहुत खुश हैं और अपने हस्बैंड और दो बेटों के साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजार रही हैं दुबई में। दोस्तों, दिव्या एक बहुत अच्छी पेंटर हैं, बहुत अच्छी फोटोग्राफर हैं और बहुत अच्छी स्कल्प्टर हैं, और कहती हैं कि अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो उसे ज़रूर परस्यू करना चाहिए, क्योंकि उसी में आपकी असली खुशी है। ऑल द बेस्ट दिव्या। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताता रहूंगा। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।